हम तो अपने जो भी <coughs> कोई भी एप्लीकेशन होता है तो एप्लीकेशन एक बिजनेस लॉजिक को रन करता है राइट ना बिजनेस लॉजिक को रन करने के बाद जो भी यूजर है उसके इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है फॉर फ्यूचर पर्पस मार्केटिंग पर्पस जिस पर्पस सर्विस के लिए या वट जिस पर्पस के लिए वो बेसिकली दैट सॉफ्टवेयर इज डेवलप राइट सो डेटाबेस को कैप्चर करने के लिए ऐसा नहीं है कि डेटा जो भी यूजर का इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास डेटाबेस हो कोई हमारे पास डेटाबेस हो डेटाबेस बोलने का मतलब एक सॉफ्टवेयर है

कर तो सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में सेव लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ये स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरा no, अभी अवेलेबल yes, है तो हम पी डी एफ नोटपैड में भी डेटा को सेव करके रख सकते हैं लेकिन इसमें क्या होगा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेटा सेव होगा ये एक लिमिटेड डेटा को सेव कर सकता है क्रैश हो सकता है डिलीट हो सकता है तो मेरा पूरा जो भी कस्टमर का इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ खत्म राइट right? तो इसलिए कंपनी बोलती है या कोई सॉफ्टवेयर बोलता है नहीं हम इन चीजों में डेटा को स्टोरेज नहीं करेंगे हम डेटा बेस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जो डेटा को स्टोर करेगा और अब सॉफ्टवेयर जो होता है ये बहुत सारी कंपनी बनाती है हर कंपनी अपना अपना सॉफ्टवेयर का नाम देता है जैसे आप शर्ट देख लेते हो लुइस फिलिप का भी शर्ट है पीटर इंग्लैंड का भी शर्ट है आ, मार्क्स एक्सवाई जेड कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का शर्ट है सो so, शर्ट तो सब एक ही है हाथ बाजू दोनों डालना है बटन लगाना है राइट right. बस उसके कपड़ों की क्वालिटी डिफर डिफर करती है डिफरेंट डिफरेंट होती है सेम इसी तरह डेटाबेस भी मल्टीपल कंपनी डेटाबेस बनाती है जैसे एक है डेटाबेस बनाती है कंपनी वो अपने डेटाबेस को नाम दी हुई है माई सिक्वल एक कंपनी बनाती है उसका नाम है सिक्वल सर्वर एक कंपनी बनाती है उसका नाम है ओरैकल एक कंपनी है वो बनाती है उसका नाम है मारिया डेबी दूसरी कंपनी है बनाती है दैट इज पोस्ट ग्रेस सो मल्टीपल कंपनी डेटाबेस बनाती है और हर कंपनी अपने अपने डेटाबेस को अपना अपना एक नाम देती है अब माई सिकवल जो है ये फ्री है सिकवल सर्वर ये पेड है और भी पेड है मारिया डीवी ये भी फ्री है पोस्ट ये भी फ्री है तो इसको फ्री इन द टर्म्स ऑफ हम ऐसे बोलते हैं बट अगर आईटी के टर्म में बोला जाए दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और यह कमर्शियल सॉफ्टवेयर है ये भी ओपन सोर्स सॉरी ये कमर्शियल है देन ये भी ओपन सोर्स ओपन सोर्स ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि आप इसको डाउनलोड करो इंस्टॉल करो एंड यू कैन यूज इट कमर्शियल सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि उसके कुछ फीचर आप यूज कर लो बट अगर आपको उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग करना है देन यू हैव टू बाय द लाइसेंस आपको उसके लाइसेंस की जरूरत होगी एंड द लाइसेंस इज पेड लाइसेंस दट दैट इज कॉल्ड कमर्शियल सॉफ्टवेयर तो अब क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बोलती है कि नहीं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ही यूज करेंगे बहुत सारी कंपनी बोलती है नहीं हम कमर्शियल को यूज करेंगे जैसा जिसका बजट है जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो वैसा यूज करता है कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि अच्छा जो भी डेटाबेस है उसको हर कंपनी अपना सिक्योर करना चाहता है कि कोई भी थर्ड पार्टी या बाहर का लोग उसे एक्सेस ना करें मेरे डेटा को थेफ्ट ना करें तो वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक ऑफ kind of so तो सिक्योरिटी तो लेकिन जो पॉलिसीज है वो हम परचेज करते हैं फिर और पॉलिसीज मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड पैचेज होते हैं वो परचेज करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ठीक है अगर मान लो मैं बोलता हूँ मेरे डेटाबेस का टोटल अगर डेटाबेस सॉफ्टवेयर सौ रुपए का आता है पॉलिसी दस दस रुपए का पांच पॉलिसी की मुझे जरूरत है तो अगर मैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर लेता हूं तो मुझे डेढ़ सौ रुपए खर्च करने पड़ेंगे लेकिन अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स लेता हूं तो मुझे पचास रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी को ही खरीदना पड़ेगा राइट सो डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप का मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरी लीडरशिप टीम मेरी कंपनी uh, के लोग या मेरा क्लाइंट किस टाइप का डेटाबेस एक्सेस करना चाहता है या यूज करना चाहता है ठीक है नॉट दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन बिजनेस लेकिन अब ये जितने भी डेटाबेस है ना ये सब एक ही काम करते हैं ऐसा नहीं है कि फ्री है तो वो कुछ एक्स्ट्रा काम वो कुछ कम काम करेगा और पेड़ वाला है तो कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा ये सारे के सारे डेटाबेस सिर्फ और सिर्फ डेटा के स्टोरेज का काम करते हैं ठीक है ठीके? डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं और जब स्टोर करते हैं तो ये स्टोरेज एक टेबुलर फॉर्मेट में होता है ये एक टेबुलर फॉर्मेट और ये फॉर्मेट बहुत हद तक आपको एक्सेल सीट की तरह जैसे बना होता है रो कॉलम उस तरह बना होता है इसमें सो दिस इज कंप्लीटली इन द टेबुलर फॉर्मेट ओके okay, अब जैसे एक्सेल में जब हम डेटा डालते हैं तो पहला कॉलम पहला रो हम क्या करते हैं हेडर रखते हैं जैसे मैं आईडी देता हूं फर्स्ट नेम देता हूं लास्ट नेम देता हूं और सिटी डालता हूं अब यहां पे मैंने आईडी डी लेट से वन जीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री राहुल अभिज्ञान देवरस नोएडा पुणे मुंबई अब ये मैंने डाला तो अब इसको देखो अगर ध्यान से एक्सेल में भी हम ऐसे ही बनाते हैं राइट पहला कॉलम पहला रो इज माय हेडर और उसके बाद के जितने रो हैं वहां पे हम उसकी वैल्यू को लिखते हैं सो दिस इज हेडर एंड दिस इज वैल्यू राइट ये जितने भी है हमारे ये सारे हमारे उसके वैल्यूज हैं अब ये तो टेबुलर फॉर्मेट में है तो इसे हम बोलते हैं टेबल ठीक है इसे हम बोलते हैं टेबल अब डेटाबेस क्या है बेसिकली एक सर्वर है डेटाबेस एक सर्वर है सर्वर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है तो सबसे पहले मैं डेटाबेस के सर्वर को इंस्टॉल करता हूं ओके सो दिस इज माय डेटाबेस सर्वर अब ये जितना भी आप नाम देख रहे हो दिस ऑल आर डेटाबेस सर्वर ये सर्वर है सारी कंपनी सर्वर बनाती है तो मैं सर्वर को इंस्टॉल करता हूं ना सर्वर इंस्टॉल होने के बाद अभी टेबल ऐसे नहीं बन जाएगा सर्वर इंस्टॉल होने के बाद मुझे उसके अंदर अपना सर्वर एक ऐसा समझ लो कि मैं एक सीपीयू खरीद के लाया हार्ड डिस्क प्रोसेसर रैम एवरीथिंग इज देयर लेकिन क्या वो सीपीयू किसी काम का है अभी आंटीन जब तक मैं उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करूं, किसी काम का नहीं है वो राइट right? तो उसी तरह डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करने के बाद वो मेरे अभी किसी काम का नहीं जब तक मैं उसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट ना करूं सो so डेटाबेस अब मैं इसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं एंड दिस इज कॉल्ड डेटाबेस अब डेटाबेस के अंदर अब मैं मल्टीपल टेबल बना सकता हूं डेटाबेस के अंदर मैं मल्टीपल टेबल बना सकता हूं जस्ट लाइक like एक टेबल ये बनाया दूसरा टेबल और बना लो दो चार दस बीस पचास सौ हजार जितने बनाने हैं आप टेबल क्रिएट कर सकते हो सो अगर मैं सर्वर की बात करूं, तो और इसको और अगर लेमन की तरह अगर हम समझे तो सर्वर मेरे पास एक बैरन लैंड है खाली जमीन है मैंने खरीद लिया उस जमीन को उस लैंड के पीस को मैंने खरीद लिया बट वो मेरे अभी किसी काम का नहीं है अब मैं उसको चारों तरफ से चार दीवारी करता हूं घेरता हूं राइट दिस इज अब मैंने ठीक है चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी लेकिन अभी भी वो मेरे किसी काम का नहीं है अब मैं उसके अंदर अगर घर बनाता हूं और घर में छोटे अलग अलग कमरे बनाता हूं बेडरूम दिस दैट हॉल किचन वॉशरूम पूजा घर ये अलग अलग कमरे बनाता हूँ यार दस कमरे बनाने की क्या जरूरत है एक हॉल ही रहने दो उसी हॉल में सब कोई रह जाएंगे तो एक हॉल में सब कुछ होने के बाद प्राइवेसी चली जाएगी ना राइट एक हॉल में ही सब कोई रह रहा है तो प्राइवेसी नहीं रहेगी राइट यही हाल डेटाबेस के साथ भी होता है हम वहां पर मल्टीपल टेबल इसीलिए क्रिएट करते हैं एक ही टेबल में मैं सारा इंफॉर्मेशन भी रख सकता हूं ऐसा नहीं पचास टेबल या सौ टेबल बनाने की जरूरत है आप एक टेबल में अलग अलग कॉलम बना के रखते जाओ डेटा लेकिन जैसे उस कमरे उस हॉल की बात में कर रहा था सेम वही चीज यहां पे प्राइवेसी नहीं रहेगी कोई भी डेटा को अगर देखेगा तो पूरा चीज वो देख सकता है राइट कुछ डेटा सेंसेटिव भी होते हैं कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि किसी को देखने की जरूरत नहीं है जो भी उसके आ, यूजर है जो स्पेसिफिक यूजर असाइन किया है वही उसे देखे तो ज्यादा अच्छा है राइट तो ये काम अगर एक ही टेबल बना के करेंगे तो नहीं रह, हम कंट्रोल कर सकते इसलिए मल्टीपल टेबल बना देते हैं और हर टेबल में मल्टीपल टेबल अपने मन से देखो बनाने का आप कोई भी बना सकता है कि हम एक टेबल के अंदर एक्स वाई जेड रखे दूसरे टेबल के अंदर आम इमली कुछ भी रखे लेकिन आप सोचो अगर हम टेबल बना रहे अगर आप एक चीजों को अरेंज कर रहे हो ठीक है किसी चीज को आप अरेंज कर रहे हो तो सब चीज को मिक्स करके नहीं रख सकते ना दैट इज नॉट कॉल्ड अरेंजमेंट राइट हर चीज को आप अलग अलग रखते हो जैसे आप अपना किचन का ही देख लो किचन में दाल है चावल है आ, मसाले हैं हर मसाले सब्जी में सारे मसाले डालते हैं लेकिन क्या हम सारे मसाले को मिला के रखते हैं नहीं ना अलग अलग रखते हैं दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट उसी तरह डेटाबेस के टेबल को भी जब क्रिएट करते हैं तो कुछ चीजों को ना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से सोच के करते हैं जैसे मान लो कि मेरी एक कंपनी है अब मेरी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे राइट right? एम्प्लॉय होगा एम्प्लॉय के बाद सैलरी उसकी होगी वो प्रोजेक्ट किसी ना किसी प्रोजेक्ट में काम करेगा या किसी डिपार्टमेंट में होगा राइट देन वो लीव लेगा राइट इतना ही चीज सोचते ना अब इंप्लॉय का इंफॉर्मेशन बहुत सारा काम तो एम्प्लॉय कर रहा है वहां पे वो एम्प्लॉय जूनियर एम्प्लॉय भी हो सकता है मैनेजर भी हो सकता है सीईओ भी हो सकता है लेकिन सारे तो एम्प्लॉय ही हैं वहां के सो so, अब एम्प्लॉय का मैं जो डिटेल रखूंगा तो एम्प्लॉय के बहुत सारे डिटेल होते हैं जैसे एक उसका पर्सनल डिटेल हो गया एक एजुकेशनल हो गया एक उसका एक्सपीरियंस का हो गया एक uh, उसका लोकेशन डिपार्टमेंट उस एम्प्लॉय के बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स होंगे राइट तो पर्सनल डिटेल मैं एक टेबल के अंदर रखूंगा तो ज्यादा अच्छा है पर्सनल के साथ एजुकेशनल मिला दूंगा तो फिर वही है मल्टीपल कॉलम बनेंगे और एक काइंड kind ऑफ of आप कह लो कि उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं रहेगी एक्सपीरियंस का एक अलग टेबल बना देंगे लोकेशन वो किस 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 लोकेशन पे वो एम्प्लॉय मेरा पोस्टेड है वहां का रखेंगे डिपार्टमेंट अब एक एम्प्लॉय है अगर सेल्स में है तो सेल्स से वो एचआर में तो जाएगा नहीं तो उसका डिपार्टमेंट मैं अलग टेबल में रखूंगा कि उस एम्प्लॉय का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या है सैलरी भी है सैलरी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसका बेसिक क्या है एचआरए क्या दे रहे हैं कन्वेंस क्या दे रहे हैं कम्युनिकेशन अलाउंस क्या दे रहे हैं देन वेरिएबल पे क्या है राइट मल्टीपल चीजें यहाँ पे इंसेंटिव बन रहा है तो क्या ना वो किस प्रोजेक्ट में है ए में है बी में है सी किस प्रोजेक्ट में है वो लीव लेता है तो किस महीने लीव ले रहा है कितने इनटाइटल्ड लीव है अलग अलग रखने का हमारे लिए क्या होता है फायदेमंद होता है कि हम चीजों को सेग्रीगेट करके अगर रखेंगे जो भी टेबल बना रहे हैं तो हमें ही आसानी होगा और ये आसानी कैसे होगा इसको एक और नॉर्मल एग्जांपल से आप समझो कि मान लो कि आपके कवर्ड में सारे कपड़े रखे हुए हैं एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए हैं अब आपको कोई शर्ट चाहिए पार्टी वेयर अब आप उस पूरे में से खोज रहे हो तो खोजने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत राइट अगर आपने सब कुछ को अलग अलग करके रखा होता तो आप गए सीधे पार्टी वेयर में से एक शर्ट निकाल लिए आपका काम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो गया वही चीज यहां पे भी होता है कि अगर मैं एम्प्लॉय और उसकी सैलरी प्रोजेक्ट एक ही जगह एक ही टेबल में रखू तो अब कोई सर्च कर रहा है सिर्फ कि एक्स किस प्रोजेक्ट में काम करता है या राहुल किस प्रोजेक्ट में काम करता है तो वो पूरे टेबल में सर्च करेगा तो क्या होगा परफॉर्मेंस स्लो होगा आप भी सर्च कर रहे हो कि वो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन राहुल का क्या है तीसरा कोई सर्च कर रहा है कि राहुल की सैलरी क्या है अब एक ही टेबल पे मल्टीपल लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है तो क्या होगा परफॉर्मेंस स्लो होगा लाइक जैसा आप एक अकेले बंदे हो और आपको मैं दस काम असाइन कर दूं तो आप थकोगे टायर्ड हो और मैं दस बंदे को या पांच बंदे को दो दो काम असाइन कर दूं तो टनेस होगा लेकिन कंपेरेटिवली अगर आप देखो तो पांच बंदे फास्ट भी काम करेंगे कम भी थकेंगे काम पहले भी होगा राइट right? इसलिए हम मल्टीपल टेबल बनाते हैं। तो टेबल मल्टीपल बनाने का रीजन पहला रीजन क्या है डेटा सिक्योरिटी दूसरा डेटा प्रोसेस जो होगा ये फास्ट होगा जल्दी होगा परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर का अच्छा होगा ठीक है डेटाबेस का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा अब एक चीज है ये यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा टेबलर फॉर्मेट में डेटा है राइट ये टेब... मतलब एक अरेंज किया हुआ कोई भी चीज टेबुलर में हो होने का मतलब क्या अरेंजमेंट है उसका प्रॉपर तरीके से राइट अच्छा तो कोई जरूरी है कि भाई मेरा डेटा टेबलर फॉर्मेट में ही हम रखेंगे ऐसा कोई कोड रूल तो है नहीं कि नहीं आपको अपना सारा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में ही रखना है रेगुलर फॉर्मेट में रखने का मतलब क्या होता है कि मुझे कुछ चीजें काम करनी है अगर डेटाबेस के ऊपर तो मेरे लिए आसानी होगा कि इन फ्यूचर सब कुछ फॉर्मेट में बना हुआ मुझे डेटा को एनालिसिस करने में आसानी रहेगा राइट मुझे डेटा को एनालाइज करने में आसानी होगा जब मैं फ्यूचर में कुछ आ, डेटा एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे आसानी होगा तब मैं एक फॉर्मेट बना के रखता हूं लेकिन मेरे पास नहीं मैं बोलता हूँ नहीं मैं अपने डेटा को ना स्ट्रक्चर्ड में, में नहीं रखूंगा फॉर्मेट इज ऑल्सोन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट राइट तो मैं बोलता हूं नहीं मैं इसे स्ट्रक्चर में नहीं रखना चाहता कोई मैंडेटरी तो है नहीं मैं अपने डेटा का एनालिसिस नहीं करना चाहता तो इसे आप ऐसे समझो कि आपका एक शॉप है कपड़े का शॉप है या किसी चीज का शॉप है और अब आपने कुछ जैसे कपड़े का मान लेते हैं आपने कपड़ों का ऑर्डर दिया फैक्ट्री से बन के आया शर्ट बन के आया एक ट्रक आया आपका सामान अब वो सामान जो ट्रक वाला लाया बोले कि नहीं हम आपके शोरूम में ही रखेंगे तो कोई जबरदस्ती है कि भाई तुम शोरूम में रखोगे कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि तुमको शोरूम में ही रखना है राइट तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं भाई शोरूम में नहीं रखोगे गोडाउन में रखो तुम। इसे में नहीं गोडाउन में रखो सो so, गोडाउन में रखने का मतलब क्या है वहां पे कुछ अरेंज होता है चीज नहीं ना गोडाउन में जो भी जगह मिला उतारा आपने आप डंप करते चले जाए so, और जब आपको अपने शोरूम में कपड़े को रखना है तब आप अरेंज करके सेल्फ पे रखते हो ये शर्ट का है ये पैंट का है ये टी शर्ट का है ये हैंकी का है ये बेल्ट है ये वॉलेट है लाइक दैट राइट एक जगह वहां पे आप अरेंज करके रखते हो जो अरेंज करते हो दैट इज कॉल स्ट्रक्चर्ड और जो गोडाउन में आप रखते हो मतलब ये गोडाउन है आपका मान लो कुछ यहां रखा यहां रखा जो भी आपको जगह दिखा आप वहां पे डंप करते चलेगा तो क्या ये स्ट्रक्चर्ड है नहीं है एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर डेटाबेस और ये टेबुलर फॉर्मेट में है सो दैट्स वाईज इट कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस

ये यूज होता है ये सिक्सटी परसेंट ये यूज होता है ये आपको पंद्रह से बीस परसेंट यूज होता है और बाकी में फिर ये सारे आते हैं ठीक है ना ये तो सारा स्ट्रक्चर डेटाबेस है ये दीज ऑल आर स्ट्रक्चर डेटाबेस सो क्चर्ड डेटाबेस की जब बात करें तो ये भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड मोंगो डीबी नो सिक्वल पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस एक ऐसा डेटाबेस है जो स्ट्रक्चर्ड भी है और अनस्ट्रक्चर्ड भी है और बेस्ट पार्ट इज व्हाट ये ओपन सोर्स भी है और बहुत सारी कंपनी यूज करती है इसे अच्छा खासा परसेंटेज है इसका पेनिट्रेशन है इंडस्ट्री में सो so, अनस्ट्रक्चर्ड में नो पोस्टग्रेस ये तीन ज्यादा चलता है फाइन तो दोनों डेटाबेस हमने देखा ना अब डेटाबेस के अंदर पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं ये मेरा स्ट्रक्चर डेटाबेस है किसी भी कंपनी का एक्स वाई जेड किसी भी ओर किसी की भी कंपनी का हो लेकिन ये दे, हर डेटाबेस बोलता है कि अगर आपको एज ए यूजर मेरे से बात करना है मुझसे कुछ चाहिए या मेरे पास कुछ स्टोर करवाना चाहते हो आप दोनों में से कोई भी चीज आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो या मेरे अंदर कुछ स्टोर करवाना चाहते हो या मुझसे कुछ लेना चाहते हो या मेरे जो भी डेटाबेस मेरे पास पड़ा हुआ है जो भी मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है उसमें कुछ भी मॉडिफाई करवाना मतलब आप कुछ भी मेरे साथ करना चाहते हो तो मैं एक अब ये यूजर है ये बोलता है कि आपको मेरे साथ कुछ भी करना है तो मैं एक ही लैंग्वेज समझता हूं दैट इज एस मैं आपसे एक ही लैंग्वेज में बात कर सकता हूं जो एक्स जेड किसी भी कंपनी का डेटाबेस स्ट्रक्चर क्यों ना हो और माई सीक्वल सर्वर पोस्ट्रेस वॉट एवर बोलता है कि यूजर को अगर आप मेरे साथ कोई भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता हूं दैट लैंग्वेज इज एस क्यू एल दैट इज स्ट्रक्चर्ड

और बेसिकली ये एसक्यूएल भी एक वर्ड चेंज हो गया पहले ये ऐसे लिखा जाता था ये था इसका करेक्ट वर्ड लेकिन बोलते बोलते सीक्वल सिक्वल और लोगों ने इसका एक डेफिनेशन भी निकाल दिया एवरीवेशन भी निकाल दिया क्वेरी लैंग्वेज और यही हर जगह आपको मिलेगा भी बट दिस इज नॉट ए स्ट्रक्चर लैंग्वेज लेकिन आप दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज नॉलेज आप इंटरव्यूअर को बोलोगे वो उसे भी नहीं पता होगा <laughs> okay, now, अब ये कोई भी डेटाबेस होगा जो स्ट्रक्चर्ड वो हमेशा इस सीक्वल में कम्युनिकेट करेगा अनस्ट्रक्चर्ड का अपना एक अलग तरीका है वो हम देखेंगे जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस करेंगे तो सो so, अब आता है कि सबसे पहले मुझे डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करना है उसके अंदर डेटाबेस हमें क्रिएट करना है फिर उसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है तो जब डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करना है तो जैसे आप लेट्स से सीक्वल सर्वर पे हम काम कर रहे हैं ठीक है या माई से कोई भी डेटाबेस उठा लेते हैं लेट्स से सिक्वल सर्वर पे हम काम कर रहे हैं तो सिक्वल सर्वर पे काम करने के लिए द बेस्ट वे स्क्रीन दिख रहा है आपको ब्राउजर यस yes, सर सीधे गूगल में डालो सीक्वल सर्वर डाउनलोड ये आ गया पहला माइक्रोसॉफ्ट का लिंक ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जस्ट क्लिक दिस ना आपका विंडो वर्जन है ठीक है अब ये आपको पे नहीं करना क्लाउड पे नहीं करना है आपको अपने मशीन पर करना है ठीक है कहां पर अपने लोकल, अपने लोकल, लैपटॉप पर, तो आप ये डाउनलोड नाउ करो आप ये है फुल फीचर फ्री एडिशन नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट राइट आप इसको करना एक्सप्रेस को मत करना सो so, डाउनलोड नाउ ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा अब ये देखो एक छोटा सा फाइल चार एमबी का डाउनलोड हुआ है सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेटअप जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब उसके बाद जब आप इसको रन करोगे तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए जब ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा जब आपका पूरा इंस्टॉल हो जाएगा देन यू हैव टू डाउनलोड दिस वन मैनेजमेंट स्टूडियो अब ये मैनेजमेंट स्टूडियो क्यों करते हैं डाउनलोड इसका एक रीजन है और दैट रीजन इज जब आपका ये सर्वर इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो सर्वर देखो आपको दिखता नहीं है वो बैक एंड में रन होते रहता है वो सारा कुछ बैक एंड में आपके प्रोसेसर पे रन होता है अब आपको जब उसे एक्सेस करना है सब कुछ तो डेटाबेस वगैरह सब कुछ तो सर्वर पे ही हम बना रहे हैं टेबल भी सर्वर पे बना डेटाबेस के अंदर बना रहे हैं और डेटाबेस कहाँ है सर्वर के अंदर है तो सर्वर तो मुझे दिख नहीं रहा है अब मुझे एक्सेस करना है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको एक्सेस करता हूँ लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट जाने के बाद ना बेसिकली वो सीएमडी होता है जैसे ये हमारा इस स्क्रीन से मैं एक्सेस करता हूँ तो यहां से आपको भी प्रॉब्लम होगा और लोगों को होता भी है और जनरली हम अवॉइड भी करते हैं तो उसके लिए क्या करता है डेटाबेस हर कंपनी जितने भी डेटाबेस हैं है हर कंपनी अपना एक जी देता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइंट वो क्लाइंट देता है और क्लाइंट उसके बाद हम इंस्टॉल करते हैं तो उस क्लाइंट के थ्रू मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस करना सर्वर को एक्सेस करना स्टार्ट कर देता हूं तो एस एस ये जो है आपका सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ये आपका वही क्लाइंट है और यहां से आप इसको डाउनलोड कर लोगे फिर इसे इंस्टॉल करना है फाइन ना अब ये मेरे मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये देखो मैनेजमेंट स्टूडियो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है लेट मी ओपन इट वहां पे आपसे भी पूछेगा तो जब इंस्टॉल करोगे सर्वर तो ये सारा कुछ पूछेगा अगर आपसे नहीं होगा देन लेट मी नो और आप अवॉइड करो मुझे आप बताना मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा ना अब मेरा देखो ये कनेक्ट हो गया मेरे सर्वर से क्लाइंट अब मैं यहाँ पे मेरे पास अलग अलग देखो डेटाबेस मैंने बना रखा है ना आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू डेटाबेस तो मैं न्यू क्वेरी जो टैब है ये क्लाइंट है बेसिकली ये जो है दिस इज कॉल्ड क्लाइंट और जीवाई जीवाई किसके लिए उस डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करने के लिए सो ना अब मैं नया क्वेरी टैब ओपन करता हूं और मैं अपना एक नया डेटाबेस बनाता हूं क्रिएट डेटाबेस वीकेंड आप उसका नाम दे दो कुछ भी डेटाबेस का दिस इज कॉल्ड एस क्वेरी क्रिएट डेटाबेस में क्रिएट करने जा रहा हूं और उसका डेटाबेस का नाम क्या दिया वीकेंड ना यहाँ पे मैं सेमी कॉलोन देता हूँ so कि ये जो लाइन ऑफ क्वेरी मैंने लिखा ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया इट इज जस्ट लाइक फुल स्टॉप इन इंग्लिश आप कोई भी इंग्लिश सेंटेंस लिखते हो तो उसके बाद एक फुल स्टॉप देते हो उस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेम यहाँ पे भी हम कॉलोन uh, देते हैं सेमी कॉलोन ये जो भी है ना अब इसे मैं सेलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं पार्ट विल डिस्प्ले यू कंसोल की आपका क्वेरी रन किया कि नहीं तो ये मुझे मैसेज दे रहा है अगर एर देगा तो एर मैसेज भी देगा रन कर रहा है Command completed successfully. मतलब ये successfully complete हो गया। इसका मतलब एक डेटाबेस बन गया होगा मेरा न यहां पर जस्ट रिफ्रेश और डेटाबेस फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो वीकेंड बन गया मेरा डेटाबेस, राइट right? अब यहां पे इसके अंदर देखो फिर टेबल वगैरह है लेकिन टेबल के अंदर अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है टेबल ये फोल्डर अपने आप बनाता है वो छोड़ दो फोल्डर से हमें अब कोई मतलब नहीं है अभी ना अब इसके अंदर मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया सर्वर इंस्टॉल क्लाइंट इंस्टॉल क्लाइंट के अंदर मैंने डेटाबेस बना लिया क्लाइंट के थ्रू मैंने डेटाबेस बना लिया कहाँ पे सर्वर में राइट right? और अब उसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा ठीक है उसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा तो टेबल जब एक्सेल में क्रिएट करते हैं तो मैं वहां पे सीधे लिखता हूं लेट से आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी और मैं नीचे वैल्यू डालते जाता हूं लेकिन डेटाबेस बोलता है ना कि देखो हम एक्सेल तो है नहीं और अगर आप ये हेडर दे रहे हो तो दो आप तो उसका भी क्वेरी सिंपल ऐसा ही है क्रिएट टेबल और मैं देता हूं आईडी फर्स्ट नेम अच्छा इसके अंदर दो वर्ड मैंने लिखा फर्स्ट नेम दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो स्पेस नहीं चलेगा दोनों वर्ड के बीच में स्पेस नहीं चलेगा हाँ, डैश नहीं चलेगा अंडर स्कोर ही आएगा सिर्फ या आप कंप्लीट फर्स्ट नेम लिख दो एक साथ चलेगा स्पेस नहीं होना चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सिटी लिख रहा हूं ठीक है और इसे क्लोज कर रहा हूं लेकिन ये एक्सेल है नहीं बोल रहा है कि भाई देखो मैं एक्सेल तो हूं नहीं तो जब आप ये चीजें लिखोगे ना तो आपको बताना पड़ेगा मुझे कि इस कॉलम के अंदर जो भी रोज में आप वैल्यू स्टोर करोगे या इस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज आप स्टोर करोगे मतलब जितने कॉलम आपने बनाए हैं उस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करोगे वो किस टाइप का वैल्यू होगा अच्छा किस टाइप का वैल्यू का क्या मतलब है भाई वैल्यू वैल्यू है टाइप का इसमें क्या लेना देना है या टाइप से क्या मतलब है यहाँ पे तो यहां पे जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर के टर्मोलॉजी में उसको अलग अलग टाइप का डेटा बताया गया है जैसे अगर मैं वन टू थ्री लिखता हूं तो ये इंटीजर है तो इसे मैं इंट भी शॉर्ट में बोलता हूं अगर मैं इसे ही ऐसे लिखता हूं वन टू थ्री so this इंटीजर दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर सो इसे कैर भी बोलते हैं या वैर कैर उसी तरह ए एस डी अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा ही नहीं error दे देगा बोले नहीं भाई ये integer है ही नहीं तो एस डी जब भी मैं लिखूंगा या कोई भी alphabets तो सिंगल कोट्स के अंदर तो इसे वो ट्रीट करेगा कैरेक्टर और वैर कैर किस टाइप का मैंने डेटा इसे बनाया है अगर मैं लिख रहा हूं ए एस डी एट द रेट अगर मुझे यूज करना है स्पेशल कैरेक्टर तो अगेन मुझे इसे सिंगल कोट्स में देना होगा एंड ये भी ट्रीट होगा कैर या वैर कैर अगर मैं ए एस डी और वन लिख रहा हूं तो भी बोलेगा नहीं यार ये तो मिक्स कैरेक्टर है और इंटीजर है नहीं तो इसे भी आपको सिंगल कोट्स में देना होगा और ये ट्रीट करेगा इसे कैर और वैर कैर की तरह इसका मतलब क्या हुआ कि जहां इंटीजर सिर्फ मैं दे रहा हूं वहीं पे मुझे सिंगल कोट्स नहीं देना है बाकी हर जगह देना है ठीक है तो एक तो ये डेटा का टाइप हो गया दूसरा चीज डेटा और भी तो हो सकता है जैसे मैं डेट देता हूं और लेट से आज हो गया दस सॉरी दो हजार तेईस दस सात ये तो डेट हो गया और डेट को मैं अगर ऐसे लिखूं चलो भाई ये समझ में आ गया कि एन टीजर है लेकिन क्या यूजर को रीडेबल होगा ये समझ पाएगा नहीं ना कंफ्यूजन होगा जो थोड़ा बहुत टेक्निकल होगा वही समझेगा अच्छा ये ईयर है पहले फिर मंथ है फिर डेट है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो इसलिए डेटाबेस में एक डेटा का टाइप बनाया गया डेट डेट के अंदर वो इस फॉर्मेट में लेगा वाई 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 एम एम और बीच में ये भी आ जाएगा तो सेग्रीगेट करने में समझने में आसानी रहेगा उसे और डी डी अब ये अकॉर्डिंगली अपने चेंज भी कर सकते हैं लोग पहले आ, वाई, वाई, वाई 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 फिर डेट दे, फिर मंथ जो भी अपना रखना है लेकिन उसके साथ ये बीच में हाइफन आ जाएगा जिससे कि लोग समझ सके अच्छा ये डेट है ना अब मान लो कि इंटीजर है तो इंटीजर ना एक उसकी वैल्यू लिमिट है कि वो कहां से कहां तक की वैल्यू को स्टोर करेगा मतलब मेमोरी एलोकेशन कैसा होगा अब अगर आ किसी का बहुत बड़ा नंबर है लेट से आपका फोन नंबर है या मान लो ये मेरा फोन नंबर है अब ये है तो इंटीजर लेकिन इंटीजर तो ये भी है बोल रहा है कि नहीं भाई ये जो है वन टू थ्री इंटीजर है तो नाइन फाइव सिक्स वाला भी, भी इंटीजर है लेकिन वहां एक कंडीशन है कि इंटीजर बोलता है कि हम एक ना लिमिटेड वैल्यू तक ही अपने पास रखेंगे मतलब जो मेरा वैल्यू का रेंज होगा वो एक लिमिटेड होगा मत कहां से कहां तक की वैल्यू को हम अपने पास रखेंगे एंड उससे बड़ी वैल्यू होगी तो भाई हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और हर डेटाबेस का अपना एक रेंज होता है मतलब डेटा टाइप का नॉट सॉरी डेटाबेस डेटा टाइप का अपना एक रेंज होता है वो बोलता है कि हम यहीं तक की वैल्यू को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं इससे बड़ी वैल्यू अगर आप दोगे तो उसका टाइप चेंज कर दो आप राइट? अगर उससे बड़ी वैल्यू आपको भेजना है तो जस्ट चेंज द टाइप और वो इसमें बहुत सारे आपको डेटाबेस के होते हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो होता है कुछ मैं लिख देता हूं सबकी जरूरत नहीं है कैर Default where care Int. default is my hatago is my name. So, a second ठीक है so, सो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें सब जानने की जरूरत नहीं है अब वेर केयर और केयर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताता हूं अच्छा ये फोन नंबर अगर रखना है तो इसके लिए आप डबल को यूज कर सकते हो डबल होता है फिर जैसे इंटीजर मैंने बताया इंटीजर में भी आपको होता है इंटीजर शॉर्ट इंट लॉन्ग इंट उसी तरह फिर फ्लोट होता है फिर डबल होता है सो डबल ज्यादा बड़े डेटा को अपने पास स्टोर करके इसका रेंथ आप नेट पे देखोगे आ, इसका होता है 127 टू प्लस 127 ट्वेंटी सेवन टू माइनस वन ऐसे इसका कुछ रेंज होता है दैट इज मेमोरी एलोकेशन है ऐसा नहीं कि एक से माइनस एक तक जाएगा मेमोरी एलोकेशन होता है रैम पर इसका डबल का मेमोरी एलोकेशन बड़ा होता है फ्लोट डेसिमल वैल्यू के लिए स्टोर करवा के रखते हैं फिर अलग होता है आपको बुलियन बुलियन के अंदर जैसे आप देखते हो एप्लीकेशन में जेंडर का कॉलम होता है वहां पे मेल फीमेल एक ही वैल्यू होगा सो so नो yes, no टाइप से बुलियन को करवाते हैं अब फोन नंबर रखना है डेटा बड़ा है इसका सो so डबल का यूज करते हैं फ्लोट में डेसिमल यूज होता है राइट? Oh, right, अब care और कैर में क्या डिफरेंस है ये पूछते हैं अब मान लो ये तो डेटा टाइप सीक्वल बोलता है कि आपको बताना पड़ेगा लेकिन इसके साथ ही ये भी बोलता है कि इंटीजर छोड़ क्योंकि मुझे पता है कि इंटीजर का मैक्सिमम लेंथ यहां से यहां तक है वेर वगैरह जो भी आप मुझे डिफाइन कर रहे हो डेटा टाइप बता रहे हो ना तो उसका एक लेंथ देना होगा उसका एक लेंथ और ये लेंथ मैक्सिमम 255 तक जा सकता है मैक्सिमम 255 लेकिन हम समझने के लिए यहां पे लेट्स से कि फाइव कैरेक्टर ले रहे हैं मैक्सिमम दोनों का फाइव ले रहे हो दोनों का कैर वेरकर का टू तक जा सकता है और ये डिफाइन भी करना होता है जब मैं कॉलम तो बनाता हूं तो वैर केयर में बोल रहा है कि चलो मैंने फाइव दिया तो इसका मतलब है कि लेट से मेरा नाम राहुल है तो मैं लिख रहा हूं राहुल फाइव कैरेक्टर आ गया अभिज्ञान चार इतना ही लेगा वाई ए एन पांच से ज्यादा हो गया छोड़ देगा अब मान लो किसी का नाम ओम है तो दो ही कैरेक्टर लेगा बाकी मेमोरी में पांच टोटल इसे दिया है हमने स्पेस लेकिन बोल रहा है नहीं मेरा काम दो से हो गया तो ठीक है तीन तीन की जरूरत नहीं है तो उसे यूज भी नहीं करेगा और रिलीज कर देगा अपने पास रखेगा भी नहीं लेकिन कैरेक्टर वाला थोड़ा बोलता है भाई मुझे जितना आपने मेमोरी में एलोकेशन किया है ना मैं सब अपने पास रखूंगा भले आप कम भेजो तो राहुल तो चलो ठीक है आ जाएगा अभी ज्ञान का भी पांच ही तक आएगा लेकिन जब ओम रखेगा तो एक दो तीन चार पांच तीन स्पेस अपने पास वो एक्स्ट्रा रखेगा बोलेगा मुझे पांच स्पेस मिला है तो मैं पांच ही रखूंगा पांच से कम नहीं भले आप दो भेजो एक भेजो उससे मतलब नहीं है मुझे सो इट मीन्स कि वैर जो होता है इसे हम कह सकते हैं कि वेरिएबल लेंथ और दिस इज फिक्स दिस इज वेरिएबल लेंथ एंड दिस इज फिक्स लेंथ राइट ना अब हम अपना टेबल क्रिएट करते हैं तो आईडी मैं डेटा टाइप बता देता हूं इंटीजर फर्स्ट नेम मैं डेटा टाइप बोल देता हूं वेर कैर और लेंथ भी देना होगा तो मैं लेट से इसका दे देता हूं हंड्रेड और कॉमा होगा इसके बाद लास्ट नेम ये भी वेर कैर में दे देता हूं और सिटी भी मैं दे देता हूं वेर कैर क्वेरी को टर्मिनेट किया अभी देखो वीकेंड के अंदर एक भी डेटा टेबल नहीं बना हुआ है राइट right? टेबल के अंदर कुछ भी नहीं दिखा रहा आई एम गोइंग टू रन दिस इन करेक्ट सिंटेक्स ये बोल रहा है गलत सिंटेक्स है क्रिएट टेबल टेबल का नाम क्या है मेरा पता ही नहीं तो मुझे नाम बताना पड़ेगा ना टेबल का आखिर मैं टेबल बना रहा हूं तो कुछ ना कुछ नाम रखूंगा उसका तो मैं लेट से बोलता हूं पर्सन सक्सेस ना रिफ्रेश टेबल के अंदर आप देखो पर्संस बन गया होगा ओ oh, सॉरी अच्छा इसके बाद मुझे एक चीज और करना है ये पर्संस यहाँ पे मुझे बताना होगा कि किस टेबल किस डेटा बेस में मैं पर्सन टेबल क्रिएट कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा यूज वीकेंड बताना पड़ेगा कि किस कंटेनर के अंदर मैं बनाने जा रहा हूं ये टेबल अब मैं इसे रन करता हूं देखो पर्सन बन गया मेरा टेबल अब इसके अंदर मैं देखता हूं कि अगर इसके व्यू मुझे करना है अपने टेबल को कुछ भी व्यू करना है डेटाबेस में तो एक क्वेरी होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ने अच्छा ये देखो दोनों यहाँ पे पर्सन ये भी है ये भी है सो so वन आपको ये हेल्प uh, देगा हिंट देगा तो कौन सा सेलेक्ट करना है इसके बगल में देखो जो आइकन दिखा रहा है दिस आइकन इट इज डेटा बेस आइकन और ये है टेबल का आइकन और मुझे क्या करना है टेबल देखना है ना सो आई विल सेलेक्ट दिस वन नाउ रन दिस यही मेरा कॉलम नेम था आई डी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सिटी ठीक है अब मुझे देखना है चलो ठीक है ये मेरा लाइन था अब इस लाइन को कुछ देर के लिए भूल जाओ मेरा टेबल बना हुआ है ना आई डोंट वांट टू आई आई वांट टू नो कि मेरे टेबल में डेटा जो स्टोर करेगा कॉलम जो डेटा स्टोर करेगा वो किस किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा इसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पे वैर कैर और ये दिखा रहा है नहीं हमें नहीं पता है कि ये पर्सन टेबल है तो किस किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा इसका कॉलम हमें नहीं मालूम है तो उसको देखने के लिए एस पी अंडर स्कोर हेल्प पर्सन ये देखो दिखा दिया पूरा आईडी इंटीजर है फर्स्ट नेम वेर है लेंथ इसका क्या है हंड्रेड हंड्रेड राइट ये उसका पूरा टेबल का है स्ट्रक्चर बता दिया कि आ, किस टाइप का डेटा स्टोर करना है कर रहा है या कर करेगा राइट सो दिस इज कमांड एस पी स्टैंड फॉर स्टोर्ड प्रोसीजर दैट इज स्टोर्ड प्रोसीजर मतलब ये इसका अपना एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसे मैं कॉल कर रहा हूं इनबिल्ड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इसके लिए कुछ कोड लिख के इसके पास रख दिया गया है और इसे बोला गया है कि जब भी तुमको कोई कॉल करेगा तुम्हें बुलाएगा तो तुम्हें ये चीज दिखाना है दैट इज कॉल्ड इन फंक्शन फाइन सो दिस क्वेरी इज फॉर व्यूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल ये इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना कि वो किस टाइप का डेटा रखेगा उसका लेंथ कितना है एंड ऑल द थिंग्स राइट ना इस क्वेरी में मैं देख रहा हूं कि अभी कुछ डेटा नहीं है देर इज नो डेटा इन द टेबल तो अब मुझे इसके अंदर डेटा डालना होगा और डेटा डालने के लिए मैं लिखता हूं Insert into persons टेबल का नाम एंड वैल्यूज क्या वैल्यू होगा उसका और अब मैं लिखता हूं पहला मेरा क्या है id तो मैं देता हूं वन जीरो वन फर्स्ट नेम तो सिंगल कोर्ट्स में कॉमा लास्ट नेम और वैल्यू डालना है तो इसको टर्मिनेट नहीं करेंगे कॉमा देकर मैं एंटर कर देता हूं शुक्ला लिखते हो ना आप यस सर ना एक और एंटर करना है फिर कॉमा देके मैं लिख देता हूं ठीक है अब इसके बाद मुझे और नहीं देना है हियर आई विल टर्मिनेट इट अब इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं रन कर दूंगा अच्छा अभी करते हैं उसको लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं ये डेटा डाल रहा हूं ठीक है तो क्या इस इसका मतलब क्या है कि ये समझ रहा है मेरा क्वेरी कि आईडी में मुझे वन जीरो वन डालना है राहुल फर्स्ट नेम में डालना है सिंह लास्ट नेम में डालना है और सिटी के अंदर नोएडा डालना है ये समझ रहा है क्योंकि मैं डिफॉल्ट सीक्वेंस में डाल रहा हूं आपके लिए नोएडा हो सकता है सिटी है इसके लिए नोएडा सिटी का मतलब नहीं है अगर मैं नोएडा यहां पर कर दू तो ये लास्ट नेम में नोएडा डाल देगा उसे डेटा के टाइप से मतलब है सिटी में और आप समझ रहे हैं कि हाँ दिस इज सिटी एंड दिस इज लास्ट मतलब नहीं है वो बोलेगा ये डेटा का टाइप जो है ना आप भेज रहे हो सिंगल कोर्स में वैरकैर है और लास्ट नेम भी वैरकैर एक्सेप्ट करेगा तो नोएडा भी वैरकर है तो लास्ट नेम उसका नोएडा कर देगा तो यूजर अपने पास से जो भी डेटा भेज रहा है तो थोड़ा सा अवेयर होके भेजेगा सही डेटा पहली चीज और ये जब जाएगा तो डिफॉल्ट सीक्वेंस में जाके सेव हो जाएगा ना अगर मैं इसे ही ऐसे करके अब भेजूं सिटी लास्ट नेम आईडी डी अगर ऐसे करके मैं भेजूं तो मुझे डेटा का सीक्वेंस भी वैसा रखना पड़ेगा अगर मैं सिर्फ डेटा ऐसे ही भेज डेटा मैं सिर्फ ऐसे ही भेज तो वो एरर दे देगा बोलेगा कि नहीं सिटी सिटी में भाई वेरकट जाना है आप यहां इंटीजर भेज रहे हो नहीं लास्ट नेम ठीक है आपका राहुल हो सकता है लास्ट नेम आईडी आईडी में इंटीजर भेजना है आप वेर भेज रहे हो एरर दे देगा तो अगर आपको इस तरीके से भेजना है मतलब डिफॉल्ट टेबल के सीक्वेंस को चेंज करके आप भेजना चाहते हो तो वैल्यू भी आपको उसी हिसाब से देना होगा जैसे इसमें देखो मैं इतना को रन करता हूं दोनों को मैं रन करके आपको दिखाता हूं पहले एरर देगा कि नहीं इसको मैं सिर्फ इतना रन करता हूं ये देखो एग्जीक्यूट हो गया दो रो में वैल्यू आ गई अब मैं इसको रन करता हूं इसको हटा दो। अब मैं इसको रन करता हूं डिफॉल्ट वैल्यू में भेज रहा हूं ठीक है बोलेगा सिटी सिटी में यार आप इंटीजर भेज रहे हो नहीं लेंगे हम एरर दे दिया राइट right? तो मुझे इसको क्या करना होगा सीक्वेंस में डेट डालना होगा सिटी तो सिटी मुझे पहले देना पड़ेगा सिटी लास्ट नेम आईडी आईडी मुझे यहां देना पड़ेगा सिटी लास्ट नेम आई डी वन जीरो थ्री और फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम है देवराज राइट right? अब मैं इसे रन करूंगा तो एक्सक्यूट हो जाएगा देखो ओके क्लियर दोनों तर, टाइप से मैंने आपको बताया कि अगर डिफॉल्ट सीक्वेंस में भेजना चाहते हो तो यहाँ पे कॉलम का नाम देने की जरूरत नहीं है अगर अपने ऑर्डर से भेजना चाहते हो विदाउट uh, आप कॉलम इधर उधर करके देन यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन हियर कि कौन से कॉलम uh, उसका सीक्वेंस आपको मेंशन करके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू यहाँ पे भेजना पड़ेगा राइट right? तो इस तरह मेरे टेबल में डेटाबेस टेबल की एंट्री हो गई क्लियर कोई क्वेश्चन यस सर हाँ बताइए सर जैसे आईडी में इंटीजर्स